वेल वेल वेल, एक राक्षस आया और माँ बेटी को उठा ले गया। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एक्शन, मास, मसाला, ये सब कुछ देख के, ये ब्रुटैलिटी, वायलेंस, ये सारा कुछ ड्रामा वगैरह देख के भाई थोड़ा सा बोरियत होने लग गया था। मतलब बहुत हैवी हैवी होने लग गया था, तो कुछ एक चेंजेस चाहिए था। जो भाई साहब द मैरी क्रिसमस ट्रेलर आया है और बड़ी उम्मीद देखे जा रहा है, इट मीन्स ये कि भाई बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है देखेंगे, लेयर बाय लेयर चेक करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर से बहुत कुछ पता लग जाता है। देखेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, विजय सेतुपति का नाम जुड़ा है एंड कटरीना कैफ का नाम जुड़ा है, द मोस्ट गॉर्जियस लेडी, जो विकी कौशल ले जा चुके हैं, जिनको भाभी जी। तो भाई ट्रेलर बहुत प्रॉमिस कर रहा है, कह रहा है कि भाई हम सस्पेंस भी देंगे, थ्रिल भी देंगे और बहुत अच्छा कंटेंट और स्टोरी तो देने ही देने वाले हैं, क्योंकि नाम इसमें विजय सेतुपति जुड़ा है। भाई इस बंदे ने अलग ही फैन फॉलोइंग ले रखी है, अंडररेटेड स्टार है, लेकिन भाई जो कंटेंट ये लेके आता है, एक बार के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो भाई विजय सेतुपति, इट मीन्स ये कि ये एक ट्रस्ट देके जाता है कि भाई ये बंदा जो भी स्क्रिप्ट चुनेगा दमदार ही चुनेगा, क्योंकि हमने इसके बहुत ही ऐसे फाड़ू कंटेंट देख रखे हैं। और जो ये एक्टिंग करता है वो उसकी तो बात ही निराली है। लाइक जवान में हमने जो विलेन का रूप देखा है, क्या ही फाड़ है यार। उसके बाद हमने फर्जी मूवी में वो पुलिस वाले का जो रोल देखा है वो भी दमदार है। भाई इसमें जो सीरियल किलर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रेलर एक बार के लिए प्रॉमिस कर रहा है कि भाई विजय सेतुपति इसमें विलेन हो सकता है, लेकिन भाई मूवी बहुत घुमावदार होने वाली है। वन नाइट स्टोरी देखने को मिल रही है, क्रिसमस का टाइम देखने को मिल रहा है, कटरीना कैफ जो सिंगल मदर है उसको थोड़ा सा एक लव वाला जो है पोर्शन लाइफ में खाली 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 देखने को मिल रहा है, जो भाई होता है एक अट्रैक्शन, एक ऐसा मर्द या मैन जो बिल्कुल मैच्योर है और उसका इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल जबरदस्त है, जो ऐसा अट्रैक्शन देके जाता है, और वो सारा एक केमिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है कैटरीना कैफ के बीच में और विजय सेतुपति के बीच में। लेकिन भाई जो मूवी में कहानी होने वाली है, मतलब उस रात जो भी कहानी होने वाली है, कहीं तो वो गायब हो जाएंगी या फिर कुछ भी, ये सब चीज़ें हमें मैरी क्रिसमस के ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। मतलब एक वर्ड में कहूँ तो भाई ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है कि पूरा थ्रिल होने वाला है, पूरा सस्पेंस होने वाला है, और आपको इतना घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट में आखिर कहानी क्या होने वाली है। तो जो भी होगा उसका कंक्लूजन हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल मूवी के लिए वेट है। निगेटिव एक ही चीज़ लगी कि भाई इसको थिएटर में रिलीज कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैड डिसीजन हो सकता है। खैर, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि भाई ऐसी मूवी अधिकतर थिएटर में तो नहीं चलती है। अगर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दे तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो जाने जान जो मूवी थी, जो कटरीना कैफ का डेब्यूट था, भाई वो OTT प्लेटफॉर्म पर फाड़ के गई है। तो उसी हिसाब का ये भी कुछ मिलता जुलता है। अगर इसे भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते तो फिर मज़ा ही आ जाता, तबाही देखने को मिलती, क्योंकि भाई साहब थिएटर में मास मसाला का अलग हल्ला चलता है। और हमारे पास जनवरी में भाई फाटेर मूवी आनी है, और उसके लिए लोग सेविंग करके रखेंगे, जेब अपनी ढीली इतनी जल्दी होने नहीं देंगे। क्या होता है भाई, ट्रेलर दमदार है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो। मिलते अगली वीडियो में। चलिए।